Veena Malik and I welcome you to Mastiyan. हॉर्स ट्रेडिंग सियासत के साथ मंसूब कर दी गई है, लेकिन होती ये हर जगह पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि सियासत में काबिलियत नहीं देखी जाती, बाकी तमाम शोबों में कमाऊ पूत घेरे जाते हैं और सियासत में बिकाऊ पूत। वैसे अपने लिए अपनी मर्जी से बेहतर रास्ता चुनना सबका हक है, मगर आप कोई कमिटमेंट या अग्रीमेंट तोड़ेंगे तो फिर तो सवाल उठेंगे। ऐसी ही सूरत हाल है ख्वाजा सरा हाउस में, दिखाते हैं आपको। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग बदलना होगा। खबर बैठ जाए सारे, बैठ जाओ। क्या प्रॉब्लम है बताएं? प्रॉब्लम है अगी मैडम, 7 साल तो ए सिंगर साडे नाल गा रहा सी और भेडू दे मुंह वाली ने इनू साडे कोलों तोड़ लिया। अच्छा, मुझे आप सब में ना ये कुछ रीजनेबल लग रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है? मसला कोई भी नहीं है वीना जी, पता होता क्या है, हम लोगों में ना एक का नहीं है। हाँ जी, ये जो सिंगर बैठे, एक मिनट, इतने सारे लोग आप एक जगह पे इकट्ठे आई बिलीव रह रहे हैं, तो अभी एक का नहीं है, एक घर एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन इनको मुंह लगाने को राजी नहीं हम सारे। कौन मुंह लांदा बकवास नहीं करनी, बस पावरफुल खुसरिए नहीं तो कर जा, नहीं तू जानती तेरी फकी मशहूर तू ते हैगी प्रॉब्लम है। मैं तेरे झाटे पुट देने, तू मैनू जानदी नहीं, मैं तेरे दंद काट देने। सुबह शाम आप लोग नाचते रहते हैं, बैठ के बात भी कर लिया करो कभी। बाजी ऐसी खुसरे हैं कि इंजीनियर हैं, ऐसी नाचते रहेंगे तो साडा कारोबार टुरेगा। चाहे तो इंजीनियर भी बन सकते हैं, मगर आप लोगों ने ये चूज किया बैठ के बात करें जी। तुसी तो बैठे हो, सानू बाना है, तुसी बैठे आप बैठ के बताएं आपका मसला क्या है। बैठिए। हाय हाय मसला बैठ ही दसने चिराओ जी वे बैठ। नहीं, आपको बैठने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम सानू की होनी है, असी ते डंडी पट्टी है गए हैं। एक्चुअली ना साडी आइडियोलॉजी चेंज है। आइडियोलॉजी, दैट्स गुड, मगर आइडियोलॉजी क्या है आपकी? मैं दसनी हां, ए चांदने सी पुरानी जिंदगी गुजारिए, थां थां ते नचिए है ते वेला लइए। वीना मुझे लगता है कि वो सब में से डिसेंट है और उसको ये काम करना अच्छा नहीं लगता है। सस्ती जी मोमबत्ती नहीं, काम तो दोनों नाच ही रहे हैं, उनके काम में और इनके काम में क्या फर्क? वीना जी, मुझे इनका जो है इनका आइडिया अच्छा लगा। यस, इनके पास एक आइडिया था। ये YouTube पर इन्होंने बना लिया है वो चैनल, और उस पर माशाल्लाह से 17 सब्सक्राइबर भी आ गए। ओनली 17, वाओ। ये जो मुंडे ना अपने वालों जो कुछ है लड़ जंदी है। आपके YouTube चैनल में क्या खास बात है? देखें जी, उस चैनल में ये जो सोशल इश्यूज हैं हम उन पर गाने बना रहे। ओह, दिस इज गुड। तुहानू पता है इस मुंडे दा मुंह पीछे सी। अच्छा, हाँ, हुणे दे वाल पीछे जान लग पे, मुंह अगे टुर पे। शक्ल का मजाक नहीं उड़ाते, नहीं तो बाल भी तो बड़े ना उसके। अदील सुना दो कुछ। अब आटा चीनी महंगी नाले महंगा ना, चीनी महंगी नाले महंगा ना, महंगाई साडी कढ लेनी जान, महंगाई साडी कढ लेनी जान। बहुत अच्छा है। यस, बिजली दा बिल मेरे ख्वाबों विच आंदा है, सभी के ख्वाबों में आता है, मेरे ख्वाबों विच आंदा है बिजली दा बिल। वाओ, अद्धी अद्धी रात आके मैनू डर आंदा है, ओए अद्धी अद्धी रात आके मैनू डर आंदा है। चुप, साड़ी मुखालफ पार्टी है, मैंने गूंगी पार्टी च भर्ती करा दे मामा। अच्छा, ये मेकअप क्यों आपके लिए इतना जरूरी है? मेकअप के बगैर हमारे मुंह बहुत बुरे लगते हैं। किसने कहा है? ये जो बांदरी की बेटी नहीं बैठी वहां पे, हाँ। ये भी मुंह धो के आप देख ना सके शक्ल भी। जब मुंह धोंदी ना किंग कॉन्ग दी साली लगदी। ऐसा नहीं बोल, आज मैनू पता लगा बाजी रात नूं सुती पई क्यों इंज कर रही। नहीं ठहरो, बैल होई जी। नहीं, मेरी गल सुन लो, कस्टमर आ गया ओनू ये ना पता चले साडे बॉर्डर वखरे हो गए ने, ऐसी एक दूसरे दे वैरी हैं। जानी तितली वेख के आ कौन है बाहर। बिस्मिल्लाह, मैं आप जानी हां। हेलो, हां जी, हां जी, शेख रमजान बोल रहे हैं जी। हां जी, अपना मटन कढ़ाई है तड़े को। अच्छा, 4 किलो मटन कढ़ाई, जरा पुठ चांप ते गर्दन दी बना के। हां जी, नाल स्वीट च आप कौन है? शेख रमजान। मतलब किस लिए आए हैं इनके पास? मेरे छोटे भरा दी शादी है जी, अब्बा जी की फरमाइश है कि इन्होंने जरा पुराने लोग ने ना जी वो समझते ने पिंडा थावां दे विच इन्हां दे नचन तो बगैर शादी पूरी नहीं फैमिली फंक्शन के लिए इनको साइन करने आए जी साइन करने आए अपना गल देखो दरअसल है वे अपना गाने गाने जे शुगल मेले वाले ते तुहाडे को कोई आइटम है नवीं हां जी माही आवेगा मैं पुला नाल तरती सजावांगी कोई चेंज सुनाओगे तो मैं चेंज देंगा तानू माही आवेगा मैं पुला नाल तरती सजावांगी वो दिरावा बिच अखिया बिछावांगी चला की पकिया 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 ओएगा साडे गाने नु पढ़ के माही आवेगी मैं पुला नाल यहाँ पे नचाने के लिए वाई ओनली दीज पीपल आप लोग सेलिब्रेशन के लिए कोई और तरीका नहीं इख्तियार कर सकते साढ़े अब्बा जी ना एक स्टेप लड़िया है जो भी मैडम जी घर च फंक्शन होया किसी भरा की शादी हुई है असी जरा ना उन्होंने ना वो स्टेप जरूर कराया उन्होंने जेडे भी नचे ने ते मैं कहना चाह बाजी इन्होंने पूरा खलो लेंदे फिर बांग ये स्टेप है वो स्टेप जरा ना मुबारक हो खेती कर ला सब मोरियां दी तकलीफ शुरू हो गई मैं तो बैठा ही नहीं मर जाने जल्दी कर मेरी नाड़ चढ़ जाती गल दरअसल है कि जी जे वो स्टेप तुसी कर लिया ते फिर छट्टे जे पानी दे क्योंकि तुसी पुंगरोगे तो सही डांस होएगा 10 लाख कवोगे 15 लाख कवोगे 20 लाख कवोगे वो स्टेप तुसी कर लिया ते अब्बा जी साडे सलूका पाया हुंदा उन्होंने केदा पता मैडम नहीं क्या कमीज दे थल्ले पाई दा 8-10 जेबां हुंदियां बाबे पाउंदे पैसों के लिए जी तो अब्बा जी के पास पैसा कहां से आता है फंक्शंस के लिए भरा कनाडा ने जी एक भरा जरा जी वो अपना इंग्लैंड होंदा है डॉलर की कोई टेंशन नहीं है वो स्टेप तो बताए ना स्टेप पे जी हाँ जी नागड़ दिन्ना नागड़ दिन्ना बड़ा मुझे लगता है इनको आपके जैसे गुरु की जरूरत है जी मैं मिठाई लैके आनी मैनू शागिर्द कर ला देखो नागड़ दिन्ना नागड़ दिन्ना ये भी साढ़े चोइया शरीफ हो गया जी वाह नागड़ दिन्ना 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 अरे वाह यानी ये मतलब नागड़ दिन्ना नागड़ दिन्ना नागड़ दिन्ना वाह मुझे लगता है कि आप खुद ही परफॉर्म कर ले फंक्शन पे इनसे बहुत अच्छा करेंगे अब्बा जी नु इंज चाहिए मैडम शेख साहब जी वैसे आपको किस उम्र में पता चल गया था जी मैं अब्बा जी ने मेनू ट्रेन किया है जी कि उन्होंने केड़ा स्टेप पसंद है अच्छा यानी आपके अब्बा जी भी यही हैं जी हाँ अच्छा आई लाइक इट जिस तरह से आप आए हैं और आप इनको अपने एक प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहे हैं एंड यू गिव द मनी इट्स गुड हम मैं पहुंच गया अब्बा जी मैं पहुंच गया अब्बा जी अब्बा भी उधर इंजी सुन रहे हैं फोन अब्बा जी 10 लाख रुपए दे विच बुक कर लेने 10 लाख हाँ जी बाजी तुसी वेखना सही नागड़ देना सिखाता अब्बा जी उन्होंने हाँ जी 5 लाख होर दे दिया कोलो 15 लाख बदला 15 लाख रुपए दे दिया अच्छा ओके जी अब्बा जी बड़े शेख साहब ने कहता जी कि 10 लाख थोड़े 15 लाख दो लो जी मैनू जी दो चाहिए ने जी ए वे तितलियां मेरियां बिजलियां निकलदियां ना इधर देखो एक ते दो इधर ए जेडी मेरी तितली है ना तार दे उते एक पैर ते खलो के स्टेप करदी है ए नागड़ देने वाला हां मैं कहना जी बेफिक्र हो जाओ ए मैनू पसंद आ गए जी हां सानू 12 लाख दे दियो कितना जी शेख साहब 12 लाख रुपए शेख साहब 10 लाख हां 10 लाख लो जी 8 लाख 6 लाख 6 लाख डन करो। 3 लाख। अच्छा मैं कुर्सी दीजिए घुमानी, मैं आप ही घुमना जे। 3 लाख लाख 1 लाख रुपए। आप लोग अपने पैसे क्यों कम कर रहे हैं, क्या हो गया है? मैडम जी बचत होने दो, तुसी कादली विच तीली छड़ रहे हो। आपको कुछ ख्याल करना चाहिए ना, उन्होंने परफॉर्म करना है, उनकी मेहनत होगी, टैलेंट है। साडा इस गल दा कोई अमल दखल नहीं, असि इन्हां दा शुगल मेला झाटाबाजी देखना है। नहीं नहीं देखे, मैं आपको कहती हूँ इनको छोड़ें आप जी। आपको कम से कम इनको 1 मिलियन तो देना चाहिए ना, दिल परफॉर्म देयर। अखा ठीक ने ताड़ी क्यों? आपके अबू जी इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग कराते हैं तो उस शादी पे 10 लाख खर्च नहीं कर सकते? मैडम जी असी 15 लाख देना है, इना नहीं लेना। शेख साहब जी अगर आप ही अपनों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात। अपना की ये अभी आपने स्टेप्स करके देखे ना, आपको पता है कि कितना मुश्किल काम है। केड़ा मुश्किल है? देखो नागर दिना तो मैं घरों लेके आया ते नचा भी घरों ही लवो। फिर अबू शेख साहब लाख रुपए और पैसे भी आप हमने वहां जाके दे दीजिएगा, एडवांस ना दें। 60,000 शेख साहब जो है गल तो फिर 5,000 डन हो गई गल। नहीं जाएंगे असी जावांगे, तुसी भी नहीं जाओगे, असी जावांगे शेख साहब 2,000। ये क्या हो रहा है? 15 लाख से 2,000 पे आ गए हैं आप। मैडम जी तुसी खामोश रहो, ताड़ी मेहरबानी। इनके हकूक के लिए कोई तो आवाज बुलंद करेगा ना, इनको तो पता ही नहीं है। शेख हां जी सानू कुछ ना दे, सानू ले जा। शेख जी मेरी गल सुनो, हां जी तुसी पैसे भी ले लो ते सानू भी नाल लेके जाओ। इन्हां नु मैं नहीं नचण देना, नहीं जा सकदियां ना। वाह जी वाह शेख साहब। हां जी ना बोलना, सारी पेमेंट ले लो तो सानू ना छड़ना, सब नाल लेके जाना। चलो तुसी इंज करो, तुसी इंज करो, तुसी तैयार होवो, तुसी भी तैयार होवो, मैं गड्डी बाहर सेट कर लवां। आप लोगों ने अपनी लड़ाई में अपना नुकसान कर लिया। नहीं अजे नुकसान, जा तितली लेके आ शेख नु वापस, ओथे जाके आप लेके आनी आ। शेख साहब भाजी ओ तो दौड़ गए ने, मर गई। आमीन आमीन। हाय मैं मर गई, कुकड़ी दे मुंह वाली नहीं, उन्हें जादू करा के साडा सिंगर साडे कोलों खोया। अच्छा ये जो जादू है ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला, मर्दों औरतों से निकलकर आप तक भी पहुंच गया। मर जानी बाबे को जाती है, 1.5 गाना विखा के 2 तवीत लेके आती है। हुआ क्या है, किसने कराया जादू? जो भी ये मैं ना कम बन देता है बस। अस्सलाम वालेकुम बाजी फूल। वालेकुम सलाम भैया बाजी आई भी। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय ये तो हीरोइन नहीं? हां वही नहीं। हाय सदके जाओ। अच्छा मैं कह मेरी गल सुनो जी, किन्ने के तमाशे तुसी इत्थे लाने ने? की होया है? मैं कहनी है पूरा महला बाहर खलोता है, इन्हां ने जादू करके साडा सिंगर साडे कोल खोया है। मैं ते तानू घर इत्थे किराए ते दुआ के स्यापे च पै गई हां। हाय की होया बाजी, तू ते साडा दर्द समझ। मैं तुहाडा की दर्द समझा? मैं कहनी हां मुदा नाई नहीं हैगा। लिया नहीं मेरा मूड़ा इधर कर सुजरा, बस मुदा नाई नहीं। माम ते बैठ के गल्लां करन डे सी, ओदे खाने खराब की कह रहा सी। मैं ते तानू अपनी भैन ही समझनी हां। जाहिर है कन्ना खुसरियां कोलों ना घर वेला कराओ। हां ये घर वेला कराओ सी कीता की है सर? पूरे मल्ले च खिलाफ गल्ला होंदियां ने। मैं कहनी हां खाना खराब होवे जेड़ा किसे दियां चुगलियां लांदा है। मैं ते तानू अपनी सकियां भैणां समझनी हां। जुंदी रह जुंदी रह, तुहाडे आसे मैं एक बाबे दा इंतजाम कीता है। हाय बाबा मेरे लिए ए बाबा जादूगर। पूरी गॉसिप क्वीन है, इस तरह की खवातीन से खबरदार रहना चाहिए। अच्छा जा देख के बाबा बरोनाई आया कि नहीं आया? मैं देख के आनी है, मैं लेके आनी है बल्कि नाल उनां नू। हां नी वीना जी तेरे बारे च लोकी गल्लां कर रहे ने मेरे बारे में। हाय हाय मैं टीवी वेखन डई सां ते तेरा प्रोग्राम चले जेड़ा नवा कीता ही मस्तियां। हां लोकी बड़ियां गल्लां करदे ने, कहंदे ने बड़ी तैयार होके आई है। अकड़ चीले मुंह काला हथ पीले। बाबा बड़ा पहुंचे आज, देखो दी धौन चो कबूतर निकलन डे। गुस्ताख हमारे साथ बदतमीजी। माफी 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 बाबा जी माफी। लगदा पूरी औरत खा गए, इन्हें बाल बाहर रह गए। बाबा तशरीफ रखो। आइए बाबा जी। मसला किसका है जल्दी बताइए। हमारा बाबा जी, मेरे किसी ने गिट्टा बांधता, मैं डांस नहीं कर पा रही। बाबा जी और जड़ी कपत्ती है ना, उन्हें मेरे ते तवीत करा के ते साडा सिंगर खो लिया। हमने अपना खून दिया है, अपनी उम्र दी है। आप में राह ही नहीं, खून सारे दे बैठे हैं आप। हमने वो काम किए हैं जो तुम जान नहीं सकते, जिसका तस्वुर तुम करो तो तुम लोगों के जिस्म कांप जाए, बल्कि तुम सबके अजसाम कांपने लग जाए। अच्छा बाबा अपने लोग पूरे हाथ खोल दे, तावी इन्नी की खोल दे। अरे मुआशरे के सेहतमंद ख्वाजा सारा अपनी हद में रखो। मेरा मसला है अपने छोटे जे बाबा जी। अगर तुमने मुझ पर जुगत लगाई तो मैं तुम्हें एक चपत लगा दूंगा। यहाँ बैठो, इधर आओ, इंसानों की तरह बैठो। मैं बैठी अपनी अपनी बाबा जी, मैं तुहानू तां मन्ना, इन्हां दे वालां च कबूतर कट के वाहो। मैं यहाँ कबूतर नहीं जिन निकालने आया हूँ। आंखें बंद करो दो शीजा। दो शीजा क्यों? कपड़े बदलने बाबा जी? पापा जी का मजाक ना उड़ा, पागले मजाक ना उड़ा। आपा ये मुझे साड़ के पसम कर दिन के बल तू किटी पैड लगेगी पसम होई। आपा इस फिलिपाइनी खुसरी को समझाइए, मुझे लाइट ले रही है। नहीं चुप कर बाबा जी, बाबा जी कड्डो तवीस ना ना जोगत करना बाबा, रोण भी लग पैंदा हुंदा। बाबा जी कर ले आप, बाबा जी कसमें गानी वाली ताउन लग रही। बाबा जी तवीद कड्डो, को पैसे ने काट लेना। अपना मुंह बंद रख। दुगड़ बुगड़ दुगड़ तू गबरूनो मन या ना मन अलड़े, अखबार अगेन शॉट गन लड़े, दिल ते निशाने सीधे मार दिया, इक्की दुक्की तिक्की ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा, दूरी फिट दी बना की है मुड़ीर खरती, डब विच पर के ग्लाउक रखदा। बाबा मुसियाड़ा लेके मुकर गया है, ओ दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला, रब्बा हाय हाय दिल लेके मुकर गया है। वाह 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 बाबा जी दे करम, बाबा जी वाह, बाबा जी, बाबा जी मैं कहनी है नाल दे घर चलिए, बाद चो इन्हां दा काम करांगे। मुबारक हो, तुम्हारा भी स्टेप खुल चुका, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी। अब मेरी फीस दीजिए। बाबा जी मैं मर गई हां, मैं हैगी हां ना, फीस आपा देंगे हमारी। मैं कहनी है बाजी, बाबा तानू मेरे ते यकीन नहीं, इन्हां दे पैसे मैं तानू देंगी। मैंने रेंट कार तो सुना है, लेकिन रेंट खुसरे पहली बार सुन रहा हूं। चलिए पैसे इकट्ठे करो, मेनू छेती आओ। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियाँ, और जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी। चिन्योट में एक बारात जो है वो साइकिलों पर आई और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। वैसे एक चेंज है। हाँ मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि सुनते साथ ही लगता है कि वाओ, मतलब चिन्योट का दूल्हा वो बारात लेने साइकिल पर जा पहुंचा, और सारे के सारे जो बाराती थे वो भी साइकिलों पर सवार थे। और ऐसे सादा सी बारात नहीं थी, उन साइकिलों को खूब सजाया गया था, पाकिस्तान के झंडों से, फूलों से, पत्तियों से। ए व्याह करना से जा रहे थे या व्याह फता करना से जा रहे थे? लेकिन ये जो बारात थी कोई आम बारात नहीं थी। अच्छा। बहुत सारे इलाके के लोग, जाहिर बात है इतनी यूनिक बात है, इकट्ठे हो गए थे देखने के लिए, और इतनी बड़ी बारात बन गई थी। इट वाज ब्यूटीफुल। और वैसे भी मैं समझता हूँ बड़ी माहौल दोस्त शादी थी। ऑब्वियसली ना धुआं ना हॉर्न। वैसे दुनिया में लोग अपनी बारातें यादगार बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे एक दूल्हा क्रेन पे बारात लेके आया था। नहीं जरा क्रेन पे लेके आया, ओदी तो रोटी भी ओदे च पक रही होगी, जेदे च बजरी मिक्स नहीं होंदी वड्डे सारे। नहीं एडा उच्चा ओने ब्याह रख लिया है ते अगर किसी ने सलामी देनी होवे, बल्कि ओदे ब्याह ते अबू बकर साहब न्योंदरा होया ही नहीं, वाकई एडा उच्चा खलोता सी। ए वाह दूल्हा जिदा हार साबित कर आया है, बच्चियां दा हाथ ही नहीं पहुंचे अभी, सारी जान जिथे जान दी वो कल्ला ही उत्ते जान दी है। वैसे इमेजिन करना मुश्किल है कि बारात कैसी होगी। मैं कहना उस लाड़े नूं तुसी गिल्ली टाकी हच फड़ानी सी कि ज्यादा ज्यादा तारा भी साफ करता जा। अच्छा एक और बहुत ही यूनिक बारात, दूल्हा बारात लेने पैराग्लाइडिंग करता हुआ है, यानी कि पैराशूट के जरिए आया। अच्छा तुहाडे कोल नीवी खबर कोई नहीं गई अज? बचिया के में वो भी, मतलब वो बचा इस तरह से था क्योंकि वो खुद पैराग्लाइडर था। नहीं रे भाई बोली जाना है, बोली जाना है, बोली जाना है। आ गया आपका मैच माशाल्लाह। अपना कौन मोहतरमा तुसी? ए मेरी वाइफ। यू सेट अप। शुक्रिया। नहीं बाजी तू नहीं बोलदी, जुबान टुकी तेरी। मैं लाड़ा दी बहन हां। ए कौन है लाड़ा? लाड़ा लाड़ा इस किस्म दा मैं कहना मरीज दे पैर वर्गा मुंह है ओदा। यमनता मुरादाबाद शादी हुई मेरे बिरादी ते ए वे बोटी। अच्छा जी आप तो हो गई ना इनकी बहन। हां वो पीछे कौन है और वो साथ वाले? ए मेरा सौरा है ते मैं इनदा जुआई हां। यू शट अप। वो स्टोरी बना ली है मरे, मैं तो हैगा बराती। आई वाज वंडरिंग कि भाई क्यों साइकिल पे ले गया बारात? क्या पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी चलानी नहीं आती थी? गड्डी चलानी आती है। अच्छा। लेकिन मेरी वोटी की डिमांड थी कि साइकिल पे मैंने लेके जाना था, बता तेरना जाना नहीं तो मैं नहीं जाना। तो तुम अकेले जाते ना, पूरी आवाम को खजल कर दिया तुमने। आवाम तेरी खुश है, बिलावा की क्या करता है। अच्छा वैसे ये गाड़ियां वाड़ियां सजाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, ये साइकिल तो आराम से सज गई होगी ना? एडियां सोहनियां गड्डियां सजाइयां ना। मैंने क्यों लगता बाजी के तू साग बहुत अच्छा कोटदी हुई। और साडे घर तेने नौकर से की करने, भाभी मेरी ने बीए कीता है। वाह जी वाह, इतना टाइम ला के इंग्लिश दे दो लफ्ज याद कीते, वो भी पुठे। बीए नहीं हुंदा, ए बी हुंदा है। अब बीए 14 क्लासां हुंदियां। अच्छा आप जरा 1 मिनट चुप करें जी, मैं वो पूछना चाहता हूँ वो भाई साहब इतने उकताए हुए क्यों हैं शक्ल से? हाँ ये बाराती कुछ खुश नहीं लग रहे मुझे। गल हैगी है मेरे को अपनी फोरचूनर आ, इन्होंने मैनू कहा कि साइकिल ते जाना, मजा नहीं आया। ले मजा की नाल दही पल्ले मिल रहे सी, मजा कदा होना। मैनू ब्याह दा जरा मजा नहीं आया। हालांकि कम से कम तू 11 जग 200 दे पीते ने उथे। पर्दे च चोरी फिल्म वेखण वाले तेनू क्यों नहीं समझ आउंदी है? अच्छा ये जो बारात आप साइकिल पे लेके गए ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पता नहीं हमारे यहाँ क्यों मायूब समझा जाता है साइकिल को। आप देखिए दुनिया में साइकिल के सफर को कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग इस पे ट्रैवल करते हैं। कोपेनहेगन में तो 36% लोग जो हैं वो साइकिलों पे जाते हैं, ऑफिसेज में साइकिलों पे जाते हैं। कोपेनहेगन में तो फ्री साइकिल्स मिलती हैं, रेंट भी नहीं देना पड़ता। और आप ये देखिए कि नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस साइकिल पे जाता है। मेरे नवीद के पास तो हर तरह की गाड़ी है। नवीद बताओ ना कौन कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टर्बो है, प्राडो है। अच्छा पता नहीं क्यों आपको देख के लग रहा है कि आपके पास है नहीं। गड्डियां तो मेरे भिरा को बहुत है ना। अच्छा मेरा भिरा बस प्यार बहुत करेंदा अपनी वोटी ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कहा मिसाल कायम करो ना। ये कई गरीबों के पास पैसे नहीं होते तो फिर गाड़ी के लिए मसला बन जाता है। हाँ ये भी बात है ना कि अगर मर्सिडीज पे आती बारात तो इस तरह खबर ना बनती। आप लोगों की तो बारात ही बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो लोग देखने आए। मैं कन्या से सरगोधे तक गया, लोगों ने कोई मेरे बिरात फुल सुटे नहीं नहीं मेरे पे फेंके थे, भाई पे नहीं आपके फेंके थे। मेरा बिरा घाट है की भला? नहीं नवीद को मेरी नजर से देखो बहुत प्यारा है। अरे फूल तो सड़न नहीं कि फूल क्यों सुटे हैं। मेरा जरा बिरा है ना, इन्हों में गड्डी नहीं चलावण देंदी। क्यों? बाजी मैं बताती हूँ, मैंने कहा आप गाड़ी ना चलाना, ड्राइवर लगेंगे, इसलिए नहीं चलाते। अच्छा मैंने क्यों लगता है कि एहो जी वोटी डोली च बह के जिन्हें डोली चुकी होंगी ना उन्होंने पिछों कह दी ऐस गली पै जाओ, ये शॉर्ट रास्ता जे। अच्छा मुझे ये लगता है कि चिन्योट में है एक उमर हयात महल, ठीक है आप लोग वहाँ पे तो नहीं रहते? नहीं नहीं उधर कोल ही है साडा घर। आपको पता है इस महल का? मुझे पता है अबू बकर साहब। इनको बताएं। वो महल बहुत ही मनहूस है। क्यों? उस महल की जो फैमिली थी वो वहाँ आने से पहले ही मर गई। हॉन्टेड हाउस कह रहे हैं। एडा जो इन्होंने विआह मशहूर करन दी पई है ते साइकिल ते बरात आई है ना ते फिर 2-4 रात उस घर च रहन। नवीद हमने किसी हॉन्टेड हाउस नहीं जाना। नहीं नहीं कितने भी नहीं जाना, असि सिर्फ साइकिल ते जाना। वैसे कमाल है इनके साथ शादी के बाद आपको हॉन्टेड चीजों से घबराना तो नहीं। वीना जी हर सच बोलने के लिए नहीं होता। मैडम तुसी इन्होंने पहली बार किथे देखा सी? डिक्की विच। अच्छा शादी ते जदों साइकिल ते तुसी गए ते बरात भी सारी साइकिल ते वाजे वूजे वाले भी नाल गए सी। वाजे ते ढोल वाले कोई मजे आए न बिरावा। ओ साइकिल ते किवें वाजा वजाउण डे सी। कई ते त्रुट मोए डिगे भी हैं। यकीन करो ओ पैसे सुटे न सा। नहीं मैनूं पता लगा तुसी बहुत पैसे सुटे क्योंकि 450 ते लाड़े नूं भी होया। नवीद जी तो पैसे पकड़ते पकड़ते नाली में गिर गए थे। बता देना क्या हो गया। चुप कर जाओ, ऐसी गल नहीं करी। कभी भला आपने बता दी है तो ये भी बता दे। कभी भला कोई दूल्हा भी नाली में गिरा है, ये गिरे थे। यानी कि ठीपा रिड़े है ये भी मगर ही उधर गया है। हाय अल्लाह। ठीपा फड़न फड़न च आप भी कलाबाजी लाती थी। अच्छा इतनी सर्दी में शादी थी और इस बेचारे को आपने शेरवानी तक नहीं पहनाई? नहीं शेरवानी तो बाहर ला के आया ना, एडी महंगी शेरवानी आई सोने दा ते ओने खाली गाना बनिया है मेरे बिरा ने। कोटी थ्रेड से सानू अगर शेरवानी पा के प्रोग्राम में इंटर होया। कोटी थ्रेड वो साइंसदान लेकर आयो साथ। और भाई जान मेरा इको एक ते साला है। वाह जी वाह, ओदा भी इको एक बनवाई है। अल्लाह ढूंढा रहे। भाभी तो थक तो नहीं गई? मैं थकी नहीं, मैं तो बस पेरिस के ख्वाब देख रही हूँ। चिन्योट मेरे दादे दा भी पहाड़ सी। अच्छा। साडे नस्ल दर नस्ल पहाड़ होते सन। माशाल्लाह ताडे सिर तो ही लग रहा पानी। पेट देहो जी आई भाई तुसी खान दे तोड़े मुंह न लथ दी। वाह वाह। आपकी बिदो में सिर्फ मखाने होते हैं ना, हमारे ड्राई फ्रूट थे। मैनू तो सलामी जड़ी है ना सलामी तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए सलामी पई है। गिण उन्हें ते ईद मुबारक लिखिया होना। नवी दुनिया जलती रहेगी, छोड़ो इन्हें। जो सलामी मैनू हुई सी ना किसी ने भी नहीं हुई। मैंने लगता तुहानू तो 5-6 तरह की सलामी नहीं हुई। हाँ तुहानू किवें पता लगा? पादर किला खेड रहे सन ना रस्सी बन के। इन्ना विआह दा मैनू रूप चढ़िया ना जी, वो किसी ने भी नहीं चढ़िया। वो नजर आ रहे हैं सानू। एक दिन तो मैनू ओपटन ला के छड़ता सी उन्होंने। वो चेक कराओ, ओपटन नहीं सी, बेसन सी, बेसन। वक्त आया यहाँ पर एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। चराग का जिन हर एक की फैंटेसी है और हर इंसान के अंदर एक छोटा सा अलादीन भी पाया जाता है, मगर पाकिस्तान में क्योंकि सभी की ख्वाहिशें उसकी आमदन से कहीं ज़्यादा हैं तो हर एक के अंदर एक बड़ा सारा अलादीन पाया जाता है। लेकिन क्या अलादीन का जिन उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है? आई डोंट नो, लेट्स सी। हेलो अलादीन। हाय वीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार तुमने एक गरीब के बच्चे को अपने शो में बुला ही लिया। मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि आप 18 साल के हैं। मैं 18 साल का ही हूँ लेकिन दिखता बड़ा हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं। यार कार्टून कदों तक चलनगे? कौन हो तुम? अगर मेरा जीनिया होता तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता। तो उसने क्या कुछ भी नहीं कहा उसने बेचारे। अगर मेरा जीनी होता तो मैं तुम्हें भी सबक सिखा देता। अलादीन मुझे ये बताएं, किताबों में कहीं लिखा है कि आपका ताल्लुक चाइना से है, कहीं पर लिखा है अरब से है, कहीं पर लिखा है यूनान से है, इंडियंस आपको कहते हैं कि आप इंडियन हैं, आप हैं कौन? आपका ताल्लुक है कहाँ से असल में? मेरा ताल्लुक इन सब जगहों से है। क्या बात है, सब जगहों से होते 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 मैं आखिरकार पाकिस्तान आ गया। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि ये लग रहा है कि जैसे बिनाका गीत माला नहीं चल रहा उसमें ऐसे आवाज आती। बिनाका गीत माला नहीं, ये वो वक्त और हालात हैं जिसने मुझे ऐसा बना दिया है। हाँ, वक्त तो आपने बहुत मुश्किल गुजारा। अलादीन के पास मैंने वो किड ना एक बंदर हुआ करता था 18 साल तक, वो खाना लाता था तो ये दोनों मिलके खाते थे। वो बंदर कहाँ है? मेरी मजबूरी थी, जब वो छोटा था तो बहुत क्यूट था, जैसे जैसे वो बढ़ने लगा तो उसे मुझे अलग करना पड़ा। क्या बात है, परेशान कार्टून था। मुझे पता था बंदर जरूर बोलेगा। अलादीन पाकिस्तान कैसे आ गए आप? दरअसल मेरे जीनी ने पूरी दुनिया घूमी है और उसी ने मुझे कहा कि आओ पाकिस्तान चलें, और पाकिस्तान में भी लाहौर। वो कहते हैं ना कि इन्हें लाहौर नहीं तकिया, जमिया ही नहीं। लगता है आप जीनी से पहले घूम चुकी हैं। हाँ। एडी वड्डी जुत्ती कदी अपनी अम्मी दी पा आए हैं। इहो जिहा कार्टून एक किश्त दे विच 100 वारी मर जांदा हुंदा। पहली बात तो यह है कि जाहिल किश्त नहीं किस्त होता है। जब आपकी प्रिंसेस के बारे में पढ़ा ना, द 6th प्रिंसेस ऑफ डिज्नी, वाओ जैस्मीन सो प्रिटी, कहाँ है वो? वो असल में आ नहीं सकी, यही तो मसला है। वो जवान लड़की है, बूढ़ी नहीं। मैं ऐसी ख्वाहिश का इजहार तो जिनी से कर रहा हूँ लेकिन पूरी कर ही नहीं पा रहा। यह जी पुतली नूं नाल दा पुतला मार दिंदा। आई थिंक अलादीन आप अपनी जीनी को बुला लें। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है गया, वे बुला भी ले। अब मेरा जीनी इसका जवाब देगा। मैं अपने जीनी को हाजिर करता हूँ। मच्छर लड़ गया। मेरा जीनी मेरी अंगूठी में है। जीनी 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 आ जाओ जीनी। जिनी क्या हुक्म है मेरे आका? जिनी जिनी आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। इस जगह ले आए हो मेरे नन्हे मुन्ने आका। जिनी ये मस्तियां शो है और वो वीना मलिक है। जिनी आप ये लहरा क्यों रहे हैं? मैं आधा चिराग में हूँ और आधा बाहर। well, आप लोगों के पास वो एक कालीन था ना उड़ने वाला, आप दोनों उस कालीन पे आए या पेट्रोल खर्च करके आए? ये दुखती रगते हाथ रख देता है वीना जी। क्लीन साडे को है सी, वो इन्हां दी अम्मी हुई ना जिहड़ा थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई, उन्हां क्लीन धो देता। जिनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ठीक करके दिखाओ। मैं ठीक कर जगह हुंदा ते मैं आप बाहर जाके फिल्मा करता। अच्छा जिनी, सर्दी बहुत ज्यादा है, मुझे गुजरांवाला के चिड़े खाने हैं, मेरे हुक्म की तामील हो। मैं नहीं जाना। क्यों? वो तोंदे नहीं की बाहर, मैं कसम अगे आया करके उड़िया तारा जी फंस गया। अलादीन आपने ये जिन रखा हुआ है? रखा नहीं, मुझे मेरी किस्मत ने ये दिया है। तो टैक्स दे रहे हैं आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? टैक्स? किस चीज का टैक्स? ऑलरेडी ये गरीब आदमी का खाल तो उतार चुके हैं। अलादीन अपने जिन का ब्याह कर दे, उन्हें तेरा सिर ला जाना ही। मैं तो दस दो यहो जा जिन पूछिए ना, तू जादू नहीं करता, कहना मेरे मालिका ने मना किया। जिन ने तो गायब होना भुल गए। जिनी मेरा एक काम कर दोगे? इसका काम नहीं करना यार, इसका काम तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा आपा की बात सुन ले अगर मेरी नहीं सुननी। हां भैन की कहन दई तू अद्धे घंटे तक ਵੀਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਲ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਆਪਕਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਆ मैं वो जिन्ना जिदे बारे कहते जिन्ना तेरी मर्जी ना चाहे लिया हो जिन्ना तेरी मर्जी जिन्हें एक तो पाकिस्तान आकर तुम्हारी पावर्स चली गई हैं वो इसलिए कि यहाँ पर पावर के बड़े मसले हैं पावर आती ही नहीं वैसे वैसे वीना मैं जैस्मीन से बहुत प्यार करता हूँ टाइम देखे क्या हुआ है टाइम देखे मेरे पास घड़ी नहीं है जिनी मेरे उड़ने का टाइम हो गया जिनी मत मैं इस टाइम बादलों में जा रहा हूँ कल भी जेन नूं कां कोलों चपेड़ा पाइयां ही ओदे नालों ऊंचा उड़ रहा सी उन्हें कहा ठा कां इन्हीं क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे मैं यू मिर्जा तेरा चौथा ब्याह नहीं होने देना मैं तुम दस जिन्ना चक्कर जिन्ना तेरी मर्जी चला बेलिया कर रहे हैं ना मैनू सारा पता तेरा जिनी मुझे मरी ले चलो सुना है वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है जरूर तुम मरी का नाम लेना मौला खुश रखे तेन तुम जिनी हो या टाड़ी हो छो इस गल ठंड वेखदी जो इत्थे लगदी ना ठंडी वा चंगे चंगे जवान जेड़े तो हो जाते हैं लेकिन तुम तो जिन हो ठंड वेखदी है जिन्ने के शफीए के रियाज है ओदा काम है सिर्फ लगना अगर तुम मरी नहीं जा सकते तो तुम नारायण कागान ले चलो चाट ही होना है तू तेरा कख कंडा नहीं रहना जिनी फिर तुम्हारे होने का फायदा क्या है मुझे मैं फुल कद जेदा दी अरेबियन नाइट्स में ऐसी कोई बात नहीं थी ये स्टोरी कहीं और जा रही है मैडम जी असी हालातां दे मारे जिन्ना अच्छा पाकिस्तान च रहने असी बिजली दे बिल गैस प्रॉब्लम ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल से तुम्हारा क्या ताल्लुक तुम तो जिन हो तुम तो उड़ते हो मैं बाहर दा जिन्ना मैं भावे उत्तों भी उड़ रहा हां इशारा बंद होवे मैं उत्ते खलो जाना पाकिस्तानी नहीं कि जेडे ज़ेबरा क्रॉसिंग तो भी अगे करते करते अद्धी सड़क च आ जांदे मुझे रीच के हाथ से शहद छीन कर लाके दो हां बोल हाथ भी तेन पता केड़ी गल कर रहे हैं तू एडी ठंड आ बाहर मैं आप मोटरसाइकिल राइड मंगाई है We'll take a break here. Stay tuned. Welcome back to Mastiyan. आज जो हम गाना सुनने वाले हैं ना This song is just love. बहुत खूबसूरत गाना है अच्छा ये गाना तुम्हारा फेवरेट है हाँ आपको लग नहीं रहा मेरा फेवरेट है अगर मैं आपको कुछ हिंट्स दूँ तो पहचानेंगे जरूर जरूर मैडम नूर जहान की हिट मूवी थी जुम्मन जंजनाल देखें वो सॉन्ग ही इतना बड़ा था कि सिंगल हिंट से लोग पहचान जाएंगे इस सॉन्ग के लिरिसिस्ट थे अजीम कादरी और वजीर अफजल ने म्यूजिक दिया था बड़े लोग क्या बात है मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं बट दिस इज सो ब्यूटीफुल मैं कहा मैनू कसम चुकवा लो इन्होंने अंतरा नहीं आना होंदा किड्डा फेवरेट होना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना आए मेरे दिल दा इस दिल दा तू गहना अच्छा अच्छा बंदा पेस्ट कर रहे हो पहले तो इंज गल करदा तेरे कोल बहना तेरे कोल रहना जफरी जी डोंट स्टार्ट व्हाट यू कांट फिनिश हां मुझे जुगत लगाएंगे तो फिर मैं भी आपको लगाऊंगा लाओ जी लाओ लगा ले वैसे तो बड़ी देर हुई आपने जुगत नहीं लगाई बड़ा ही तुहाडा कोई मिस्टर बीन दे तरले वाला मुंह अच्छा आप लोगों ने नोट किया तरले आला मुंह का है उसमें ओके यार आप लोगों की कंपनी अभी मैंने शुरू किया मुझे थोड़ा सा टाइम दें मैं ठीक हो जाऊंगा ये गाना जो है ये हबीब साहब है और अबू बकर साहब साथ गालबन सलोनी है सलोनी जी सलोनी मैडम है अच्छा वैसे कितना खूबसूरत म्यूजिक था कि कितने सालों से हमारे पेरेंट्स का फेवरेट था हमारा फेवरेट है शायरी याद है अभी तो कोई गाना मतलब जचता ही नहीं है कुड़ी पूरा गाना सुन के कह रही होंगी कुछ और लगाओ तो यार उन्होंने कहा जुगता ना करो तुसी नहीं कह रही कुड़ी अपना फेवरेट गाना लवा के ना जो YouTube ते थल्ले को होर गाना चलदा कहंदी इहनू रहंदे आ ला ला वैसे एक्चुअली बिल्कुल सही कहा है क्योंकि मैं म्यूजिक की इतनी बड़ी फैन हूँ मुझे बहुत सारे गाने पसंद है बाकी जी अज़ीम कादरी साहब ऐसे राइटर सन ऐसे सॉन्ग राइटर सन खासतौर पर उन्होंने जिन्नी कॉमेडी अच्छी लिखी ना वो मतलब ये पता लगा कि जो सीन लिखते थे पूरी डायरेक्शन नाल उनके बारे में मशहूर है कि जी उनसे अगर फिल्म लिखवाने जाना है आपने तो वो खुद पूछता था भाई कितने हफ्तों वाली फिल्म लिखनी है। 25 हफ्ते की फिल्म के लिए पेन अलहदा है, 50 हफ्ते की फिल्म लिखने के लिए पेन अलहदा है, 75 के लिए अलहदा है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, डायमंड जुबली, मतलब ये उनका एक बड़े लोग थे। अच्छा अब नहीं होती ये जोबलियां, अब नहीं होती, अब ये 100 करोड़ 200 करोड़ वाला काम आ गया, वरना पहले होता था हफ्ते होते थे। नहीं अज का राइटर कहना कि यह पेन है दो शोआं का यह पहले का ही तो सवा घंटे का यह वो पेन नहीं जिसकी वजह तो मैं पहले शो तो बाद उन्हें कट देना बाहर। इन्होंने एक और बड़ा अच्छा गाना लिखा था वो बिना इसे आप ही समझाइए, हमेशा बेहूदगी करता है मेरे साथ। मेरी बात सुने आप, जमाइयां नहीं लेनी और क्या करते ये तो करते नहीं नहीं वो तो लगता खलाज आवाज आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अबूबकर साहब वैसे आपस की गल है, हामद जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है की ਕਹਿੰਦਾ कि नींद पूरी कर लो। नहीं नहीं वो अजीब सा करता रहता है। अबूबकर साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ प्लीज। मैं हां रंगीला साहब मैं ये कह रहा था कि एक और गाना था इनका लिखा हुआ बगदी नदी का पानी, पीछे बह के एक दूसरे की इज्जत करी जाते हैं। वो कहता अबूबकर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। रंगीला साहब हाँ जी थोड़ा सा गाना ही सुना दें वगदी नदी का पानी, बल्कि मैं कहना पी भी लवो तो नहा भी लवो। नहीं नहीं आप दूसरा सुनाए अपना, अपने अबौशदाद वाला टांगे वाला खैरमंद। टांगे वाला खैरमंद गाना था जी वो मसूद राना साहब की आवाज में और लाले सुधीर पे पिक्चराइज हुआ था। बेटा गाना गा मरे पूरी स्टोरी सुना था। और इस गाने के लिरिसिस्ट भी हजी कादरी है जी। हो टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते भावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते भावे चंगदा। अरे वाह, वैसे मैं ये देख के हैरान हो गई कि ये सभी इतने पुराने हैं। आपने तो गाया ही नहीं बीच में थोड़ा। पिछले एपिसोड जब गाना सुने जी मैडम नूर जहां जो 14 साल थी उदों गाना गाया ही इन्हें पिछले शो में। लिटरली मैंने सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के गाने सुने हुए और सब मेरे फेवरेट हैं। चार लता वाला टीवी पे देखा होगा तुसी YouTube पे। चार लता वाला बड़ा बटन इंज फटियां खोलदियां सी बड़ा बटन। और हमारे शो का वक्त अब खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी नई मस्तियों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।